वृंदावन रमन रेती मार्ग स्थित फोगला आश्रम में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। व्यासपीठ से बुधवार को महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेवश्वरानंद सरस्वती महाराज ने भागवत श्रवण कराते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट श्रीमद् भागवत गीता के 18,000 श्लोकों में से यदि व्यक्ति किसी भी एक श्लोक को अपने जीवन में धारण करता है तो समस्त सांसारिक कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि भागवत जी का श्रवण मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। उन्होंने कहा कि ब्रजधाम की लीला और क्रीड़ा स्थली वृंदावन धाम अति शीघ्र संत सेवा सदन यानी संत बुद्ध आश्रम एवं डायबिटीज हॉस्पिटल अति शीघ्र बनाया जाएगा, जिसमें संतों की निशुल्क सेवा होगी। इससे पूर्व राष्ट्रीय यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट ने संतों के पावन सानिध्य में व्यासपीठ का वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पूजन अर्चन करने के साथ भागवत महापुराण की आरती भी की। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम मास में भगवान राधा कृष्ण की पावन लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन में भागवत श्रवण का शुभ अवसर कई जन्मों के पुण्य उदय होने पर ही प्राप्त होता है। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी अवशेषानंद महाराज, पूर्व पालिका अध्यक्ष मुकेश गौतम, महंत सुंदरदास, महंत लाडली शरणदास, भागवत आचार्य राधेश्याम शास्त्री, भाजपा नगर अध्यक्ष विनीत शर्मा, भगवती प्रसाद गौतम, महानगर जिला कार्यकारिणी सदस्य योगेश योगीराज, संजय शर्मा, योगेश चतुर्वेदी, सुनील कुमार, गोपाल शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। हमारे आराध्य कृष्ण भगवान की लीला और क्रीड़ा स्थली पवित्र नगरी वृंदावन धाम में, जैसा मुझे बताया गया कि महाराष्ट्र से हमारे धर्माचार्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी इंद्र देवेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज आपके बीच कथा श्रवण कथा कहने के लिए और आपको सुनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमारे इस अवसर पर मंच पर विराजमान लाडली जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर अवशेषानंद डॉक्टर अवशेषानंद जी महाराज, ब्रज क्षेत्र के प्रकांड विद्वान धर्माचार्य भागवताचार्य और भाजपा के हमारे पदाधिकारीगण यहाँ आपके बीच उपस्थित हैं। मैं सबका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मुझे यहाँ आने का हमारे नगर के चेयरमैन हमारे भाई श्री गौतम जी द्वारा आदेश कल प्राप्त हुआ और थोड़ी सी गलती उनके आदेश में मैं कर रहा हूँ जो आपके सामने है। उन्होंने कहा था सब परिवार आना है, सब पत्नी के साथ आना है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि उसका आप सबके आशीर्वाद से अभी SPO कोर्ट में स्पेशल कोर्ट में DGC बनी है, तो इसलिए उसका वहाँ कोर्ट चलता है और सुबह 10 बजे से उसका कोर्ट था, छुट्टी नहीं थी, कोशिश भी करी, लेकिन महाराज जी और आप सबका आशीर्वाद होगा तो मैं किसी दिन उनको दर्शन कराने आपके जरूर लाऊंगा। वो कोर्ट में थी, DGC अभी बनी है, हमारी सरकार ने बनाई। दूसरा हमारे विनीत भाई बैठे हैं। महाराज जी, सबसे पहले कहीं भी हम जाते हैं कोई अच्छा गाइड वाला या अच्छा मार्ग बताने वाला या अच्छा प्रभावशाली उस क्षेत्र का मिल जाए तो सारी यात्रा तुम्हारी शुभ हो जाती है, और गलत मिल जाए तो मतलब भटकते रहते हैं। तो आप वृंदावन वहाँ महाराष्ट्र से जब आए हैं तो आपने हमारे मुकेश चेयरमैन साहब को जो पकड़ा है तो ये बिल्कुल धरा है, साधु संत धर्माचार्य सब के प्रिय हैं, सबके अनुज हैं, कृपा पात्र हैं, और इन्होंने वृंदावन चेयरमैन रह करके जो नगर की सेवा की है, साधु संतों की सेवा की है, वो अतुलनीय है, वंदनीय है, और उनके मार्ग निर्देशन में यहाँ लोगों ने अपनी समस्याओं का भी वो किया और अपना धार्मिक भाव भी उन्होंने प्रभाव भी छोड़ा है। तो ऐसे गाइडेंस में ये भागवत कथा हो रही है, तो शायद ही कोई ब्रज की हस्ती होगी जो यहाँ नहीं आएगी, उनका आग्रह कोई ठुकराता नहीं है, और मैं एक और विनती करता हूँ कि कभी भी हम जिंदगी में 100 काम पड़ते हैं, हर आदमी बिजी है, जो ज़्यादा फालतू है वो ज़्यादा बिजी है, वैसा तो है ही, चाहे बिजनेस वाला हो, चाहे काम धंधे वाला हो, राजनीतिक हो, मैं अपनी कहूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ सबसे माइक वाला भी बिजी है, फोटो खींचने वाला भी बिजी है, उसे भी 10 जगह की साई है, उसे भी फोटो खींचना है, लेकिन आपका 24 घंटे में अगर समय धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक वातावरण में या उपदेशक में अगर कुछ समय निकल जाता है तो उससे तुमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई है नहीं।
मुझे 10 काम होंगे, लेकिन मेरा ये समय आप सबके बीच में, महाराज जी के सानिध्य में, धर्माचार्यों के बीच में जो पल जा रहा है वो मेरी जीवनी का अतुलनीय पल है। इसके लिए मैं आप सभी का ऋणी हूँ और चेयरमैन साहब का भी, कि उन्होंने इस अवसर का मुझे लाभ दिया। ये पुण्य मेरे ही खाते में जाएगा और उनका भी सहभागिता होगी। मैं कहता हूँ, जब भी आपको कहीं लड़ाई में, एक बार हम राजनीति करते हैं, चेयरमैन साहब भी करते हैं, मैं वकालत भी करता हूँ, मैं पत्रकारिता भी करता हूँ, सुबह से और रात तक चेयरमैन साहब को भी, मुझे भी, विनीत भाई बैठे हैं, 100 अगारे आती है, दूसरों की अपनी नहीं होती है, लेकिन उसमें से कौन सा समय हमें पाप लग जाए, कौन सा समय हमें पुण्य दे जाए, ये भी आप सबके साधु संतों के, धर्माचार्यों की कृपा से निर्भर करता है। तो ये कल से ही मैं